एक बार आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून की धरा पर, जहां पर हमारे संवाददाता ज्योति सिंह वहां पर मौजूद है। ज्योति, क्या कुछ वहां पर चल रहा है बताएं। बिल्कुल भारती, देखिए कल 16 दिसंबर है और सम्मान रैली, कांग्रेस की बहुत ही बड़ी रैली देहरादून में होने जा रही है और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी पर। सर, ये जो रैली होने जा रही है, मैदान पर आप आए हैं जायजा लेने के लिए, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है? ये बहुत उत्साहपूर्ण तैयारियाँ है और सबसे बड़ी बात है हमारे कार्यकर्ताओं में एक अभूतपूर्व उमंग है, उत्साह है आज, और ये उत्साह जो है परिवर्तन के लिए उमड़ घुमड़ करके कल आ रहा है और राहुल गांधी जी को वो राष्ट्रीय परिवर्तन का प्रतीक मानता है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, क्या लगता है कितनी भीड़ जुटेगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी हम पिछले दिनों की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां पर उत्तराखंड में आए, आज भाजपा की भी रैली थी, तो भीड़ जुटाना क्या वाकई कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगा? वो एक कुशासन को बनाए रखने वाली रैली थी, इसलिए उदास उबाऊ रैली थी। हमारी रैली जो है परिवर्तन के लिए, शासन को बदलने के लिए उमड़ घुमड़ करके आने वाली कार्यकर्ताओं की रैली है और इसमें जोश है, उमंग है, उत्साह है, क्योंकि ये सम्मान रैली है और ऐसे में सेना के जो परिवार है, जो सेना, उनको आप सम्मान देंगे। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने बनाया है कि भाजपा की पहचान सेना का सम्मान, इनके टाइटल को आप कैसे देखते हैं? वो नारे बनाने में तो मास्टर हैं, बाकी तो उनके बाद नारों के अलावा काम थोड़ी है। उन्होंने सैनिकों के लिए कुछ काम ही नहीं किया, उन्होंने देश के लिए कुछ काम नहीं किया, गरीब के लिए काम नहीं किया, उत्तराखंड के लिए काम नहीं किया, कुछ गिनाने के लिए नहीं है। हाँ, नारा बनाने की मशीन है उनके पास, नारा वो गढ़ लेते हैं। बिल्कुल सर, केंद्र सरकार को लेकर अगर हम यहाँ की रैली की बात करें तो किन किन मुद्दे होंगे सम्मान रैली में, सम्मान के अलावा? बुनियादी तौर पर ये सैनिकों का और उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को प्रणाम करने के लिए राहुल जी आ रहे हैं और इसके यदि वो जो है समसामयिक विषयों पर भी कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनको सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो समसामयिक विषयों पर भी राहुल गांधी जी को सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर, इसके अलावा एक और सवाल लेना चाहूंगी। जयपुर में भी बहुत बड़ी रैली हुई, काफी अच्छी भीड़ वहां पर जुटी, उसके बाद अब उत्तराखंड में ये रैली होने जा रही है, इन रैलियों का क्या हम विधानसभा चुनाव में असर देखने को माने? इसका निश्चित तौर पर आज कांग्रेस पांचों विधानसभाओं में विजयी होने जा रही है या बहुत अच्छा करने जा रही है, बहुत अच्छा करने जा रही है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा? यकीनन, ये परिवर्तन की शुरुआत है और ये धीरे धीरे 2024 तक आते परिवर्तन के अंधड़ में बदल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत। भारती जी, ज्योति, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।